वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपको जेट भाई के बारे में बहुत ही बड़ी और न्यू अपडेट देने जा रहे हैं। सबको पता है जेट भाई जो कि कुछ दिन पहले उसका नेपाल में एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चोटें आई हैं और उसको अस्पताल में दाखिल किया गया है। डॉक्टर का कहना है जेट भाई की सीरियस है और क्रिटिकल है। इस सिचुएशन में जेट भाई चंद दिनों में रिकवरी की उम्मीद है, पर बहरहाल वो चल पर नहीं सकते, शायद वो पाँव से मजबूर हो गए हैं। और साथ ही नेपाल पुलिस जो कि इस एक्सीडेंट की कार्रवाई शुरू कर दी है और सोशल मीडिया और दूसरे यूट्यूब प्लेटफार्म वीडियो पर यही कहा जा रहा है जेट भाई को 2 साल कैद हो सकती है। नेपाली पुलिस के रूल्स के मुताबिक जो भी इस एक्सीडेंट का वजह हुआ या जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है उसको कम से कम 2 से 3 साल कैद हो सकती है। यह दादा अभी तक कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। मे भी जेट भाई को 2 साल कैद हो, मे भी ना हो, यह भी पुलिस ही अपने तरीक़ेकार से तफ्तीश करके इस मरले तक पहुँचेगी कि जेट भाई को कैद हो सकती है या नहीं। इस वक्त हम सब पर फर्द है कि हम जेट भाई के लिए दुआ करें ताकि वो जल्द से जाब हों। और नेपाल पुलिस जो कि इस कार्रवाई को देख रही है, इसकी कार्रवाई कर रही है, वो भी तमाम हकैक से जल्द आगाह करेगा।